आज मैं आप लोगों के लिए राजमा मसाला बनाने की विधि लेकर आई हूं। साथ ही मैं उस मसाले से मैं आपको राजमा बनाना भी सिखलाऊंगी। प्लीज़ ये बहुत ही आसान है, तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजमा मसाला बनाने के लिए मैंने 3 बड़े चम्मच भरकर धनिया लिया है, लगभग 1.5 बड़े चम्मच मैंने जीरा लिया है, साथ ही मैंने 1 चम्मच सौंफ लिया है, साथ में लौंग लिया है, 2-3 लाल मिर्च ली है, 1-2 बड़ा टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और मैंने सौंठ लिया है। देखिए मैंने सारे मसालों को भून लिया था और ठंडा होने पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था, और जब ये ठंडा हो जाएंगे तो मैं इसे स्टील के डब्बे में डाल के रख दूँगी। और साथ ही मैं मसाले का जितना भी मैंने डाला है रेशियो सबको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो चलिए देखिए हमारे राजमा मसाला बिल्कुल रेडी हो गए हैं। जब मसाला ठंडे हो गए थे तो मैंने उन्हें स्टील के डब्बे में डालकर स्टोर कर लिया था। आप इन्हें कांच के या स्टील के डब्बे में ही स्टोर करें। अब चलिए हम लोग इसी मसाले से राजमा बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पैन को चूल्हे पर रख दिया है, उसमें मैंने सरसों का तेल गरम किया था, मैंने 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है और 1 टीस्पून मैंने प्योर घी लिया है। सरसों के तेल में राजमा का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, वैसे आप चाहें तो वाइट ऑयल भी ले सकते हैं। साथ ही में मैंने क्यूमिन सीड डाला है, 1 टुकड़ा छोटा सा दालचीनी डाला है, चुटकी भर मैंने हींग डाला था, हींग ऑप्शनल है, अगर आपको हींग पसंद है तो डालिए, अन्यथा नहीं भी डाल सकते हैं। साथ ही में मैंने तेज़पत्ता और 1 छोटी इलायची डाला है। इसके अलावा मैं और कोई भी खड़ा गरम मसाला नहीं डालूंगी। फ्रेंड्स मसाले का की खुशबू बहुत ही अच्छा है, प्लीज़ आप इस मसाले को ज़रूर घर में बनाइएगा। राजमा मसाले को 1 चम्मच राजमा मसाला देने के बाद मुझे किसी और मसाले देने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, केवल कलर के लिए मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाला था और हल्दी डाला था, और प्याज टमाटर तो खैर वो तो पड़ेंगे ही। थोड़े से ही मसाले के लिए बाज़ार में हम लोग 60 से 70 रुपये देते हैं, लगभग 50 ग्राम के छोटे पैक रहते हैं। प्लीज़ इस मसाले को आप लोग ज़रूर बनाइएगा घर में और स्टोर करके रखिए, फिर देखिएगा आपके राजमा कितने अच्छे बनते हैं। मैंने जो उसमें डाला था उसमें अजवाइन थोड़ा नहीं दिख रहे थे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के डाल दूंगी अजवाइन और सौंफ के लिए। देखिए मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर प्याज और पिसा हुआ टमाटर लिया है, मेरे पेस्ट में टमाटर ज़्यादा थे प्याज कम थे, मैंने एक ही साथ पेस्ट बना दिया था, लेकिन अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप लोग टमाटर ज़्यादा लीजिएगा, प्याज बहुत ही थोड़ा सा लीजिएगा। 4 आदमी का बना रहे हैं, अगर आप लोग 4 या 5 का तो 1 मीडियम टमाटर लीजिएगा, और 4 से 5 आप लोग 1 मीडियम प्याज लीजिएगा, और 4 से 5 आप लोग टमाटर लीजिएगा, क्योंकि राजमा में किसी भी खट्टाई की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, उसमें इसमें टमाटर का ही खट्टापन अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने प्याज और टमाटर के साथ साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था, और अब मैं इसे थोड़ा देर तक अच्छी तरह भून लूँगी। साथ ही में मैंने देखिए 1 चम्मच भर के राजमा मसाला डाल दिया है, कितने अच्छे राजमा मसाले के कलर आए हैं, और उतना ही अच्छा इनका टेस्ट भी था। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही माइल्ड फ्लेवर था। साथ ही में मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी, इसके अलावा मैं इसमें और कोई भी मसाला नहीं डालूँगी, इवन कि मैंने गरम मसाला भी नहीं डाला था, सारे मसालों का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था। मैंने तो चूँकि एक ही पोर्शन बनाया है, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा डालिएगा। और देखिए मेरे मसाले अच्छी तरह भुन गए थे, तो मैंने उसमें बॉयल किए हुए राजमा को डाल दिया था, और अब मैं इसे अच्छी तरह बॉयल होने दूंगी। लगभग 3 से 4 मिनट तक हम राजमा को बॉयल होने देंगे। देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आया है,
आप जब कभी राजमा बनाएं तो उसमें थोड़ा सा हींग अवश्य डालें, क्योंकि हींग डालने से राजमा जल्दी डाइजेस्ट होती है। साथ ही में मैंने इसमें अजवाइन भी एक बड़े चम्मच भर के डाला है, तो अजवाइन की खुशबू तो आती है, साथ में ही अजवाइन भी राजमा को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, क्योंकि राजमा थोड़ा हेवी होता है। देखिए 3 से 4 मिनट तक मैं राजमा को अच्छी तरह बॉयल होने दूंगी। मैंने इसमें अमूल क्रीम डाला है, अगर आपके पास घर के मलाई हो या घर की क्रीम हो तो उसे भी आप फेंट के डाल सकती हैं, उससे और अच्छा आता है टेस्ट। लेकिन मेरे पास घर की मलाई नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा अमूल क्रीम इसमें डाला है। इससे इसका राजमा का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और सिल्की हो जाता है, बहुत ही वेलवेटी इसका टेक्सचर आता है खाने में। हाथ से थोड़ा सा चाहिए तो आप राजमा को मसल सकते हैं या पोटैटो मैशर से। वैसे मेरे राजमा पूरी तरह गल गए थे, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी इसकी कलर आई है, बाज़ार के मसाले से भी इतनी अच्छी कलर नहीं आती है, जबकि आपके सामने ही मैंने कोई ख़ास मसाले नहीं डाले हैं। और अब देखिए मैंने इसमें अमूल क्रीम डाल दिया है, और अमूल क्रीम डालने के बाद एक दो बॉयल आएगा, उसके बाद मैं इसे बंद करूँगी। अमूल क्रीम मैंने डाल दिया है और अब मैं इसे थोड़ी देर तक बॉयल होने दूंगी, जिसमें कि सारे मसाले और क्रीम राजमा के साथ एक सार हो जाए, और उसके बाद फिर मैं इसे उतार दूंगी। मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, क्योंकि बॉयल करते समय ही मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। और देखिए अब हमारे राजमा कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं, इनका कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर भी था और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बने थे। प्लीज़ आप लोग एक बार इस मसाले से राजमा को ज़रूर बनाइए, और बना के प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिए, और ये बतलाइए कि यह रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। प्लीज़ फ्रेंड्स थम्स अप तो ज़रूरी दबा दीजिएगा अगर आप देख रहे हैं तो, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। देखिए राजमा कितने अच्छे और टेस्टी लग रहे हैं, इसे आप कोरिएंडर से चाहे तो डेकोरेट भी कर सकते हैं, और साथ में ही गर्मा गर्म चावल के साथ आप और उस कतरे हुए प्याज के साथ आप राजमा को सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म राजमा रेडी टू ईट है। तो चलिए अब हम लोग राजमा को सर्व करते हैं, और आप लोग प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आप लोग राजमा की डिश को ट्राई कीजिए, घर में बनाइए और मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय।